देंगे व्याख्यान, और फिर बाद में ये व्यसन यानी कि ये तरह नशा तंबाकू और ये और तरह की ड्रग्स और ये क्षय रोग, इसमें अपने संदीप जी ये व्याख्यान देंगे। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य भी, हर आदमी आजकल भागती दौड़ती जिंदगी और समय पर खाना न खाने, चिंता टेंशन, टाइम पर नींद नहीं लेना और ये ज्यादा ही नेट फूट के चक्कर में पड़ने से सही मतलब दिनचर्या नहीं मतलब बिता रहे, तो उस चक्कर में मेंटली हर 3-4 में से एक काम थोड़ा सा है ही, तो उनके बारे में ये रोग बहुत बढ़ रहा है। तो उसके और प्रदूषण का, इनका भी ये डॉक्टर साहब है ये अरविंद जी शर्मा, वो है नहीं तो उनकी जगह दे देंगे। और फिर जनसंख्या नियंत्रण है, इन पे डॉक्टर विनोद जी और डॉक्टर मुकेश जी बता देंगे भी, ज्यादा जनसंख्या हुई तो आपने बन सारान बन रोटी टुकड़ो अड़मो बड़मो करने खातर ज्यादा संसाधन चाहिए, अभी तक संसाधन है कौन, पापा औलाद कम कम रखना, एक बाप के 50 बीघा जमीन में 2 बच्चा 25-25 4 वह तो बन 12.5-12 हुई तो देखभाल कौन ही होगी, महंगाई बढ़ती महंगाई वास्ते जनसंख्या नियंत्रण का स्थायी साधन है अपने पुरुष नसबंदी करवाओ, महिला नसबंदी कराओ, पुरुष नसबंदी 2,000 रुपया मिला करवाना और महिला ने 1,400 रुपया, प्रेयर कान बन 200-300 रुपये साहब सारा पैसा मिला है, और अस्थायी साधन में आप आए ओरल पिल ले सका, कंडोम को भी यूज कर सका, अंतरा इंजेक्शन लाग रहे जगह में भाई इंजेक्शन लगा लो 3 महीनों में एक बार दूँ फिर बच्चा जब तक नहीं समझ तक होने वाले इंजेक्शन बंद करते हैं आप कुछ ना समझो, तो बहुत से साधन हैं वो अपने काम में ले सकते हैं, स्थायी रह स्थायी वो उसके हाथ में भी, आपने एक बार नस्बती नहीं करानी तो इन साधनों में से कोई साधन चुन लो, तो जल्दी से अपने कोई साधन वो चुन के अपने कंट्रोल कर सकता है संतान पैदा करने में। फिर महिला किशोरी स्वास्थ्य है, इसमें अपने व्याख्यान देंगे डॉक्टर राजेश्वरी, उनकी आज कोटा में।